संसार के लोग सास ससुर में, बहू में, बेटा में झगड़ा हो रहा है और बूढ़े माता पिता का अपमान किया जा रहा है। ये कैसा संसार है? मैं तो संसार को सुख में समझ करके आया था देखने के लिए कि संसार में बड़ा अच्छा होगा, लेकिन संसार के लोग तो बड़े दुखी हैं। संसार के लोगों के दुख को देख करके नारद जी दुखी हो गए और भद्रकाश्रम में जब पहुंचे तो वहां सनकादिक ऋषियों से ब्रह्म मिलन हुआ। तो सनकादिक ऋषियों ने पूछा कि कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिन्ता तुरोर्भवा त्वरितं पुत्र कुतश्चाशानम्। नारद जी चार जो ब्रह्मा जी के पुत्र है मानस सनकादिक, इन्होंने कहा नारद जी क्या बात है, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतः चिंतात्रु महा, आप क्या बात है, बहुत चिंता में हो, क्या कारण हो गया, बताओ तो सही, हुआ क्या है आपको, बड़े दुखी हो। तब नारद जी ने कहा प्रभु मैं क्या बताऊं, मैं तो संसार को सुख का सागर समझ करके आया था, लेकिन संसार में सुख नहीं, संसार तो दुखालय है, सुखालय तो नहीं दिखा। प्रत्येक घर में मैं गया, सब जगह गया, पिता में पुत्र में झगड़ा है, सास में बहू में झगड़ा है और माता और पुत्र में झगड़ा है, संसार में कोई सुखी नहीं है, कोई दुख से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, मुझे बड़ा अच्छा तो नहीं लगा, मैं क्या बताऊं अपने मन की बात कि अहम तो पृथ्वी या तो सर्वोत्तमामिति पुष्करम चाचा प्रयागम गोदावरी काशी तथा। आज मैं क्या बताऊं आपको, मैं प्रयाग में गया, पुष्कर में गया, काशी में गया, गोदावरी में गया, लेकिन मुझे कहीं भी आनंद नहीं मिला। मैं देवताओं के, मैं पृथ्वी लोक पर आकर के तीर्थों में भी गया तो वहां भी मुझे आनंद नहीं मिला, वहां भी मुझे सब लोग दुखी दिखाई दिए। तीर्थों में भी लोग जाकर के पाप करते हैं, तीर्थों में कभी पाप नहीं करना चाहिए, तीर्थों में किया हुआ पाप, तीर्थों में किया हुआ पाखंड और झूठ बोलना, ये तीन पीढ़ी तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता, ये ध्यान रखना। अनजान में भी अगर तीर्थों में कोई अपराध बन गया है तो वो तीन पीढ़ी तक तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, साथ साथ रहेगा। तीर्थों में जाओ तो दान करो, पुण्य करो, जितना हो सके परोपकार करो, मन को सहज रखो, शांत रखो, क्रोध भी नहीं करना चाहिए, क्रोध करने से पुण्य क्षीण होता है, सहज रहो, आपके किसी से बनती नहीं है तो मौन हो जाओ। क्रोध को शांत करने का जो साधन है मौनम, मौन है, कुछ मत बोलो, धीरे धीरे वो क्रोध शांत हो जाएगा, फिर आपका मन अशांत ही शांति में परिवर्तित हो जाएगा।